कोरियर सर्विस के टोल नंबर लेके इसने बात की, जिस पर उन्होंने 2 रुपये पे गूगल पे से पेमेंट करने के लिए कहा, 2 रुपये का गूगल पे पेमेंट किया। उसी दौरान इसके खाते से 1,04,000 रुपये के लगभग की ठगी हो गई, ऑनलाइन ठगी हो गई। नहीं थम रहे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले। ब्लू डॉट कुरियर के टोल फ्री नंबर से गूगल पे पर 2 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करते ही 1,04,000 रुपये की हुई धोखाधड़ी। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को सतर्क व सावधान रहने की हिदायतें दी जा रही हैं। बावजूद इसके लोग कथित धोखेबाजों की बातों में फंसकर अपनी गाड़ी, खून पसीने की कमाई गंवाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला गंज थाना अंतर्गत दर्ज किया गया। गंज थाने के हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह ने बताया कि गीता कॉलोनी फायसागर रोड के रहने वाले परिवादी चंद्र प्रकाश पुत्र वासुदेव सिंधी ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि उसका एक कंसाइनमेंट ब्लू डॉट कुरियर से डिलीवर होना था, जो समय अवधि गुजर जाने के बाद भी डिलीवर नहीं होने पर उसने ब्लू डॉट कुरियर के टोल फ्री नंबर पर फोन किया तो सामने वाले ने 2 रुपये गूगल पे से ब्लू डॉट कुरियर के नाम ट्रांसफर करने को कहा, जिस पर उसने 2 रुपये गूगल पे से ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही पैसे ट्रांसफर किए, उसके बैंक अकाउंट से 1,04,000 रुपये विड्रॉल हो गए। अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बाद परिवादी चंद्र प्रकाश ने गंज थाने में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर मुकदमा नंबर 17/22 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। परिवादी श्री चंद्र प्रकाश पुत्र श्री वासुदेव जति सिंधी निवासी गीता कॉलोनी फैसागर रोड का रहने वाला है। इसके पास ब्लू डॉट कुरियर सर्विस से कुछ सामान आना था, जिसके द्वारा सामान नहीं आने पे इसके द्वारा टोल नंबर लेके ब्लू कुरियर सर्विस के टोल नंबर लेके इसने बात की, जिस पर उन्होंने 2 रुपये पे गूगल पे से पेमेंट करने के लिए कहा, 2 रुपये का गूगल पे पेमेंट किया। उसी दौरान इसके खाते से 1,04,000 रुपये के लगभग की ठगी हो गई, ऑनलाइन ठगी हो गई, जिस पर मुकदमा नंबर 17/22 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। क्या नाम है, कार्यता क्या करता है? ये चंद्र प्रकाश पुत्र वासुदेव सिंधी है और इसका निजी कार्य ही है। ये अपने बैंक खाते से गूगल पे से फ्रॉड हुआ है।